वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड एप्पल मिल्क शेक। तो यहाँ पे मैंने कुछ कस्टर्ड एप्पल्स लिए हैं जो अच्छे से पके हुए हैं, रिब्ड है, तो सॉफ्ट कस्टर्ड एप्पल है। फिर मैं एक एक करके ये कस्टर्ड एप्पल के सीड्स निकालूंगी। सीड्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत लोग इसे साथ में विस्क कर देते हैं, बट मैं यहाँ सीड्स निकाल रही हूँ। अगर आप अच्छे से विस्क करें तो सीड्स जो है वो ईजिली निकल जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और मैंने वैनिला आइसक्रीम लिया है। फिर मैं जार में इसे अच्छे से डालूंगी। इसके जो प्यूरी है, जो मैंने पल्प निकाल के अलग किया है, इसे मैं 2 से 3 स्पून डालूंगी, जो कि आप एक ग्लास में सफिशियंट है डालने के लिए। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितने आपको डालना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ आइसक्रीम। मैं यहाँ पे शुगर ऐड नहीं करती हूँ, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे वैनिला आइसक्रीम 1 स्कूप डालूंगी। इससे टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और जो एप्पल शेक बनते हैं वो भी काफ़ी थिक और अच्छे कंसिस्टेंसी होती है उनकी। तो मैंने यहाँ पे अब डालने वाली हूँ मैं यहाँ पे 1 कप चिल्ड मिल्क। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब। जितना आपको चिल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 डाला है। अब मैं यहाँ पे इसके लिड लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसे अच्छे से ग्राइंड करने वाली हूँ। सो गाइस, ये मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है ये कस्टर्ड एप्पल की। ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप चाहे तो आप वैनिला आइसक्रीम को स्किप कर सकते हैं, बट मैंने स्किप नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद मैं इसे थोड़े ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट करूँगी और फिर सर्व करूँगी। सो ये बहुत ही हेल्दी डिश होता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये लगता है मिल्क शेक। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। हाँ, इसे बीज निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉ डाला है, ये स्टील का स्ट्रॉ है जो मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।